राम राम जी, आपके अपने YouTube चैनल अंजनी क्लॉथ कलेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम काटेंगे वेलवेट का सूट। पहले हम उसके लिए लाइनिंग काटेंगे। ये थोड़े हैं सूट, पतले हैं तो इसलिए लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग लगने से है सूट गर्म हो जाता है और हैवी भी हो जाता है। तो हम लाइनिंग का सूट काटेंगे वेलवेट का। पहले हम अपनी लाइनिंग को बिछा लेंगे अच्छी तरह। जितनी हमारी घेर है उस हिसाब से बिछाएंगे। घेर हमारा 22.5 इंच, यहाँ मैंने इसको लिया है 13.5 इंच। यहाँ से हम इसका तीरा लेंगे, तीरा है 7 इंच और ये 6.5 इंच। तो 6.5 इंच यहाँ से भी लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट, वैसे तो 11.5 इंच लेते लेकिन इसका थोड़ा सा लूज हो जाता है ये, तो हम 11 इंच ही लेंगे। ये 15 इंच पे हिप का निशान। तो हिप है 22.5 इंच और कमर है 9.5 इंच। इसमें हम पीछे बैक साइड में प्लेट भी डालेंगे। तो 9 इंच उनकी कमर है और 0.5 इंच हम प्लेट के लिए मार्जिन डालेंगे। वैसे कमर का नाप में हम लूजिंग नहीं डालते लेकिन प्लेट के लिए हमें डालनी पड़ती है। ये हमारा गेयर है 22.5 इंच और ये 2 इंच फोल्ड करने के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। Thank you.
हमारी सूट की लाइनिंग कट चुकी है। अब हम इसको रख के वेलवेट का सूट काटेंगे। तो ये मेरा वेलवेट का सूट है प्लेन। अब हम इसको बिछाएंगे। इस सूट में घेर ज़्यादा होता है, अगर एक पड़त निकालना है तो एक पड़त निकाल के फिर दूसरा निकाल सकते हैं। अगर एक बार दोनों पड़त निकालनी है तो हम सेम बिछा के दोनों पड़त एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है। हम दोनों पड़त एक साथ निकालेंगे, आगे का भी और पीछे का भी। जैसे हमने लाइनिंग काटी थी ना, वैसे ही हम सूट को भी एक साथ निकालेंगे। जब हम वैसे सूट काटते हैं उसमें हम एक पड़त निकालते हैं और एक बार भी निकालते हैं उसके ऊपर रख के, लेकिन इसमें हम साथ के साथ काटेंगे। पहले हम इसकी अपनी लंबाई निकालेंगे, उसके बाद इसको सेट करेंगे। तो लंबाई है हमारी 40 इंच, तो यहाँ से हम 45 इंच लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 45 इंच और यहाँ से हम 45.5 इंच लेंगे। यहाँ से दोनों निशानों को मिला लेंगे। और उसके बाद 2 इंच फोल्ड के लिए, इसमें मैं इसके फोल्ड करने के लिए थोड़ा ही लूंगी। वैसे तो 2.5 इंच लेते हैं, लेकिन इसमें मैं तुरपाई नहीं करवाऊंगी, मशीन डालूंगी, तो इसलिए हम 2 इंच लेंगे, क्योंकि कटने के बाद थोड़ा मुड़ जाता है, तो इसलिए 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं, नहीं तो 1.5 इंच में भी हमारी हो जाता। तो यहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे। नहीं तो ये फिसलता रहेगा। तो ये हमारे सूट की लेंथ कट गई है। अब हम इसकी अपनी लाइनिंग इसके ऊपर रखेंगे और दोनों निकाल लेंगे। ये ऐसे ये हमने अपनी लाइनिंग इसके ऊपर बिछा दी है। ये देखिए बिल्कुल एक बराबर हमने लाइनिंग बिछा दी है।
तो अब हम अपनी लंबाई का निशान डालेंगे 40.5 इंच पे, आधा इंच हमारा ऊपर सिलने के लिए जाएगा। यहाँ तो ये हमारी यहाँ लंबाई हो गई। वैसे तो हम इसको पीछे भी बिछा सकते हैं, लेकिन उसमें कन्नी आएगी तो कन्नी में झोल आता है, तो इसलिए हमने इसको 4 फोल्ड ही कर लिया।